रेडी। हेलो एवरीवन, मैं शीतल मनोचा फ्रॉम पुणे आज आपको बढ़िया सा काठी रोल खिला रही हूँ, पनीर काठी रोल। कितने लोग जुड़ गए हैं, जल्दी जल्दी आइए। आज बहुत ही खुशी का दिन है, इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ राम जी भी है। वैसे तो हमेशा ही रहते हैं, पर आज पूरे भारत में, इवन बाहर विदेशों में भी जो खुशी की लहर राम जी की है, उसके कारण सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। और ये है कि अभी 2 दिन के बाद में 26 जनवरी भी आ रही है, तो मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अब राम जी हमारे बीच आ गए हैं, तो हमें पाश्चात्य जो रीतियाँ होती है, जो आजकल हमारे भारत में बहुत ज्यादा फैल गई है, इससे बच्चों का नुकसान होगा। हम तो चलो जैसे भी है, पर मासूम बच्चे जो, उनको अगर हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति घर में नहीं सिखाएंगे तो वो बेचारे, उसमें उनकी कोई गलती नहीं, हमारी गलती है। तो हमें जल्द से जल्द आज़ादी के इस पर्व पे पाश्चात्य नीति को पूरी तरह खत्म करना है और हमारी भारतीय संस्कृति श्री राम जी के साथ उनके बच्चों के दिलों में अंकुरित करनी है, ताकि वो बच्चे, हम तो शायद नहीं देख पाएंगे राम राज्य, पर हो सकता है राम जी आए हैं तो शायद राम राज्य आने वाला है। तो उसके लिए हम लोग जितने भी बड़े लोग हैं, बच्चों को ये सिखाएंगे कि सबसे अच्छी हमारी भारतीय संस्कृति है, और उनके मनों में ये हमें बीज बोना है कि पाश्चात्य को छोड़ो और अपनो विचार ऊंचे रखो। आप विचारों का कोई नहीं, अच्छे विचार, ऊंचे विचार रखिए, पर हमारी संस्कृति के साथ उसे छोड़ना नहीं है हमको, और उसी में हम सबके भलाई है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। श्री राम जी प्रकट हुए, उसकी बहुत बहुत बधाई, और 26 जनवरी की अग्रिम में बधाई। चलिए ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। सोनिया कुमार जी कह रही है जय श्री राम। जय श्री राम। ये पैन चढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। ज्योति, ये सारी सब्जियां मैंने काट के रखी है, गाजर, शिमला मिर्च, टोमेटो, पनीर, और ये प्याज तो पकाना नहीं है, ऊपर से डालेंगे उसमें, ठीक है। हाँ। और ये आटा भी मैंने गूंद के रखा है, सिंपल आटा है अपना रोज रोटी वाला, पर इसमें 2 चम्मच मैंने अमूल का घी डाल दिया था। अमूल को भी बहुत बहुत बधाई और हमको भी बधाई, क्योंकि अमूल के कारण हम लोग भी आ रहे हैं आज, और हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है नई नई चीजें बनाने का, तो बनाते रहेंगे। इसके लिए अमूल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के कारण हम लोग पता नहीं कितनी सारी चीजें बना पाते हैं। और ये सेजवान सॉस है जो हमने घर, सेजवान चटनी ये घर में बनाकर रखी है, और ये टोमेटो केचप है, और ये जो आटा है ये भी अमूल का ही है। तो इसमें बस मैंने 2 चम्मच घी डाला था और इसको गूंद के रख दिया, क्योंकि तुरंत बनाओ ना आटा गूंद के तो सही नहीं बनती है। और अगर आपको कभी कभी बनाना है तो आप मैदे से भी बना सकते हो, पर एज यूजुअल हम लोगों को रोज खाना होता है या हफ्ते में 1-2 बार खाते हैं, तो एक तो इसमें सब्जियां भी है, और गेहूं के आटे से बनाएंगे तो ऑर्गेनिक आटा है, तो इसके कारण ये हमको कोई
हार्मफुल नहीं रहेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि आटे से ही बनाऊं। अब मैं सबसे पहले गाजर डाल दूंगी। गाजर को थोड़ा टाइम लगेगा पकने, इसलिए पहले गाजर डाल दी। इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे हम लोग सौते कर लेंगे अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ तो थोड़ा जल्दी गल जाएगी। नमक सारी सब्जी के अकॉर्डिंग डाल दिया है मैंने, मुझे हाथ से ही नमक डालना जमता है, चम्मच से नहीं जमता, अंदाज नहीं आता है। तो मतलब हम नमक अपने स्वाद अनुसार डालते हैं। नमक मिर्च जो भी चीज है वो आप अपने स्वाद के अनुसार, किसी को कम चाहिए मिर्ची, किसी को ज्यादा चाहिए, तो हम लोग वो ऐड माइनस दोनों कर सकते हैं। टेस्ट तो हम लोगों को सबको अपना पता ही होता है। काली मिर्च ऊपर काली मिर्च भी वो लास्ट में डालना। और ये जो चटनी बनाई इसमें लहसुन और अदरक दोनों है, इसलिए अलग से डालने की जरूरत नहीं है लहसुन और अदरक को। चटनी की थोड़ी रेसिपी बताएंगे? हाँ जी, चटनी में मतलब ये है कि मिर्ची भिगो देते हैं और फिर थोड़ा इसमें तेल ज्यादा लगता है, लाल मिर्ची को आप भिगो के रख दीजिए और लहसुन अदरक को मतलब पेस्ट बनाना है, पर दर दरा सा पेस्ट बनाना है, और लहसुन और अदरक को हम लोग अच्छे से तेल में मतलब फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन, और उसके बाद में जो हमने मिर्ची पीस के रखी थी उसको मिक्सी में दरदरी पीस के वो उसमें मिला देंगे, और जब मिर्ची पक जाएगी तब उसमें हम लोग थोड़ा सा टोमेटो केचप, अगर किसी को मीठा वैसे इसमें अच्छा लगता है पता भी नहीं चलता, टोमेटो केचप डालना है, विनेगर नहीं डालना, सॉस डाल, यस हाँ विनेगर डालना है, सोया सॉस नहीं डालिए, विनेगर डालना है, और जितनी क्वांटिटी की वो मिर्ची और वो है उस हिसाब से नमक डाल देना है। फिर ये चटनी आप स्टोर करके फ्रीजर में भी रख सकते हो, और जब आपको कोई चीज़ आपको बनानी है चाइनीज वगैरह तो आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हो, तो काम फटाफट हो जाता है, और वैसे भी रोटी वोटी के साथ भी अच्छी लगती है। अब इसमें मैं टोमेटो डाल देती हूँ। ईशान जी कह रहे वाओ, थैंक यू। महिमा जी कह रही है वाओ वेरी नाइस चटनी रेसिपी, वाओ महिमा जी। अब मैं ये रोटी के साथ नहीं बनाऊंगी, लच्छा पराठा के साथ बनाऊंगी, उसमें बच्चों को सबको ज्यादा मजा आता है। मल्टीपर्पज चटनी यू कैन यूज इट Anywhere, anytime. Even you can enjoy with paratha and roti also. No need of sabji. Yes. Very tasty. हल्का सा गैस सिम कर दिया अभी। राम लहर के कारण इस बार हमारा गणतंत्र दिवस भी
बहुत जोर शोर से मनाया जाएगा क्योंकि सभी के मन खुशियों से भरे हुए हैं। हेल्दी रेसिपी? यस इट इज हेल्दी आल्सो, हेल्दी फास्ट। टिफिन में भी दे सकते हैं? टिफिन में दे सकते हैं, आप सब्जी बना के रख लो और जब आपका मन है मतलब इवन आप रोटी पराठा बेलकर उसमें भर के रख दो और फटाफट कोई गेस्ट भी आते हैं तो तवे पे थोड़ा सा सेक लीजिए। अब शिमला मिर्च डाल रही हूँ। सब्जियाँ मतलब आप इसमें फ्रेंच बीन्स कॉर्न स्वीट कॉर्न वो भी डाल सकते हो, आज थे नहीं घर में वो भी डाल सकते हो आप इसमें। अब इसमें ये पत्ता गोभी कटा हुआ है, पत्ता गोभी डाल देती हूँ। सो कलरफुल, यस वेरी नाइस कलर। ये पिज्जा मसाला है, ये थोड़ा मिर्च में डाल गई। पत्ता गोभी को तो ज्यादा पकाना नहीं पड़ता, वैसे वो ऐसे कच्ची कच्ची भी अच्छी लगती है और उसमें तो पक ही जाएगी। अब पनीर डाल रही हूँ। इस पनीर डालने के बाद थोड़ा धीरे धीरे चलाना ताकि पनीर के पीसेस ना हो जाए। अब इसमें एक चम्मच भर, इसमें रेड चिली डालने की जरूरत नहीं क्योंकि पिज्जा शेजवान चटनी में सब कुछ है, तो एक चम्मच ये डाल देती हूँ शेजवान चटनी। और इसके साथ ही एक चम्मच टोमेटो केचप। और इसमें आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग अपने अनुसार कम ज्यादा दो पीस करनी है कर सकते। बस रेडी। अब थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गैस बंद। ऐसी सब्जी आप वैसे भी कभी भी फटाफट बना के भी खा सकते हो अगर रोल नहीं बनाना है तो। अब इसको थोड़ा सा मैं एक प्लेट में फैला के थोड़ी ठंडी कर दूंगी क्योंकि तो उसमें फील करना पड़ेगा ना, तो ठंडा चाहिए। सोनिया जी कह रही है लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू, यस इट इज लुकिंग वेरी नाइस, नाइस एंड आल्सो टेस्टी।
I can feel the aroma. Achha, you can feel, you will have to taste also salt, only salt. क्योंकि एवरीथिंग मस्ट बी परफेक्ट. अगर सॉल्ट कम होगा तो उसका चटपटापन कम हो जाएगा, इसलिए सॉल्ट टेस्ट करवाती हूँ आपको. ये घी लगा लेंगे हम ऐसे. अच्छा पराठा तो खैर सभी लोग बनाते हो. और थोड़ा सा आटा डस्ट कर देती हूँ. इसका आटा थोड़ा ढीला गूंदना चाहिए तो वो क्या होता है, फैलता है अच्छे से. बस ये पंखे जैसा इसको बना लिया. अब इसको ऐसे लपेट लीजिए और ये इसका अंदर दबा देंगे. अब इसको हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे. गैस ऑफ कर दिया तवा गरम करने के लिए. विजिता नमक टेस्ट कर लो बेटू. सही है रानी. ओके थैंक यू. वेलकम. मस्त लग रहा है, बहुत टेस्टी मसाला. थैंक यू. So the masala is approved by the official taster of our my home. My granddaughter. ढीला आटा होता है ना, तो इसको हमको जैसे उसमें सब्जी फील करने के बाद में ना मोड़ने में भी बहुत अच्छा होता है, अच्छे से मोड़ जाता है वो. करेक्ट. इसलिए थोड़ा ढीला आटा. मैदे का क्या होता है, वो प्रॉपरली मोड़ नहीं पाता. और ये अमूल का ऑर्गेनिक आटा है तो ये और मतलब हेल्दी है, अच्छा है. बच्चों को भी कितनी बार खिला दो बच्चे खुश. अब हम इसको एक तरफ घी लगा के थोड़ा सा सेक लेंगे, जिस तरफ हमको सब्जी फील करनी है. बाकी बाहर का तो वैसे ही वो सिक जाएगा. अगर हमको जैसे सिर्फ पराठा खाना है तो हम इसको
थोड़ा ज्यादा ज्यादा घी लगा के सेकेंगे तो अपने खाने के काम, मतलब खाने में यूज हो जाएगा लंच डिनर में। ये पत्ता गोभी की लीव्स से बहुत अच्छी थी आज। अब ये जिस साइड में हमने घी लगाया है वहां पर मैं ये सब्जी फिल कर दूंगी। रजनी जी कह रही है प्लीज रिपीट द रेसिपी। ओके ठीक है। हां जी रजनी जी, मैंने शिमला मिर्ची, गाजर, पत्ता गोभी और पनीर, ये चीजें ली। सबसे पहले गाजर को फ्राई किया। गाजर फ्राई करने के बाद उसमें टोमेटो डाल दिए। ये सब बस इसमें फील कर दिया और अब इसको मैं सेक रही हूँ अपने को। और इसमें अलग से मतलब लगाने की जरूरत नहीं है सेजवान सॉस और टोमेटो सॉस। अगर किसी को मतलब ज्यादा पसंद है टोमेटो सॉस तो वो अलग से लेकर खा सकते हैं। ठीक है। हाँ तो वो सारी सब्जियां वन बाय वन फ्राई कर ली। अरे सॉरी मैं प्याज डालना भूल गई। हाँ प्याज ये कच्चे ही ऐसे काट के रखे थे, इसको ऐसे डालते। गैस अभी चालू कर रही हूँ। अगर किसी को मतलब इसमें भी हम और लगा सकते हैं पर जनरली क्या लोग सॉस के साथ खाते ही है तो फिर ज्यादा ही मतलब उसकी खटास वटास आ जाती है, इसलिए अलग से खा लो। डला हुआ तो है ही इसमें सब। हाँ जी तो सब्जी आई के बाद एक फ्राई कर ली। लास्ट में मैंने पनीर डाला और पनीर डाल के धीरे धीरे हिला दिया। उसमें थोड़ी सेजवान सॉस डाली, काली मिर्च पाउडर डाला और पिज्जा का मसाला डाला। बस सब्जी को फिर ठंडा कर लिया और जो आटा था उसको मैंने थोड़ा सा ये डाल के गूंद लिया था।
अमूल का घी। ये वीडियो अमूल के पेज पे रहेगा, तो आप कभी भी इसको रेसिपी को बाद में भी देख सकते हैं। देख सकते हैं। पराठे को एक तरफ से हमको हल्का हल्का सेक लेना है घी लगा के, दूसरी तरफ ऐसे ही रहने देना है, फिर जब हम ये रोल बनाते हैं तब उसको सेकना है। ये पराठा है इसलिए थोड़ा टूट रहा है, ऐसे रोटी नहीं टूटती है, पर बच्चों को सबको पराठा ही पसंद आता है, तो पराठे चालू कर दिए हम लोगों ने। तो दोनों तरफ घी लगा के सेक लेंगे, आटा तो पका हुआ है ही वो। कच्चे प्याज लास्ट में इसमें ऊपर से डालें। गैस ऑफ कर दिए क्योंकि अच्छे से सीख गए वो, अंदर का तो सीखा हुआ ही था। मिताली बा कह रही है वाओ वाओ मिताली चलो इस बहाने आपसे भी बात हो गई। अभी ये पत्ता गोभी की लीफ है, मैंने सोचा आज टिश्यू की बजाय हम लोग इसी में वो कर लेंगे, समथिंग डिफरेंट एंड हेल्दी आल्सो। हेलो मिताली बा, इसको यहाँ से थोड़ा सा मोड़ लेंगे। नहीं भी मोड़ेंगे तो चलेगा। टूथपिक प्लेट रखने के लिए। ये लीजिए हमारे पनीर काठी रोल रेडी। मिताली बा कह रही है हेलो आंटी जी नमस्ते। हेलो बेटा नमस्ते, जय श्री राम। सो हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी। यस ऑफ कोर्स, आप लोग सब बनाइए और खाकर मुझे याद करिए। बाय।